अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में अमूमन ज़्यादा बात करते हैं। देखने वाले बहुत सारे पैगाम भेज रहे हैं और इस वक्त जो मौजू गुफ्तगू है वो सैलाब से मुतासर इलाकों और सैलाब से मुतासर लोगों के हवाले से है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह की कुदरती आफात का हमें सामना रहा हो। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हो चुका है कि हमने जलजलों की शक्ल में, तूफ़ान की शक्ल में और सैलाब की शक्ल में सब कुदरती आफात देखी हों। समझने की बात यह है कि यकीनन ये जितनी भी कुदरती आफात हैं इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसमें किया क्या जा सकता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मसाइल इतने ज़्यादा हैं पिछले 70 और 75 सालों से, हम जिन मामलात से निमट रहे हैं आज भी उन्हीं का हमें सामना है। पूरे मुल्क की अगर बात की जाए तो ना कहीं पे कोई ऐसा खिता है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वहाँ पे तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से या दीगर बुनियादी ज़रूरतों के हवाले से। मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हुआ कि हुकूमतें और आती और जाती रहीं, लेकिन उसके बावजूद अवामी जो मसाइल थे, एक आम पाकिस्तानी के जो मसाइल थे, वो जूं के तूं रहे और इन कुदरती आफात के बाद इसमें बेपनाह इजाफा हुआ। हमें यकीनन याद होगा कि 2005 में जो पाकिस्तान में खौलनाक जलजला आया था उसके बाद जितनी तबाही हुई थी शायद ऐसी तबाही तारीख में हमने ना देखी हो, और उसके बाद जितनी भी इस तरह की कुदरती आफात आती रहीं उसमें हमें जानी माली और हर तरह का नुकसान होता रहा। लेकिन समझने की बात यह है कि ये जितनी भी कुदरती आफात आईं उससे हमने क्या सबक सीखा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वो वाहिद दुनिया में मुल्क हो जहाँ पर ऐसी सूरत हाल का लोगों को सामना करना पड़ा हो। पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता मालिक में भी इस तरह के वाकयात रोनुमा होते रहते हैं, कुदरती आफात का उन्हें भी सामना करना पड़ता है। लेकिन वो इन तमाम मामलात से कैसे निमटते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि जितनी भी हुकूमतें आईं माजी के अदबार में भी लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकी। हमेशा ये सवालात उठते रहे कि कब लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मैसर आएगा, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात कब लोगों को मैसर आएंगी, पीने का साफ पानी, और इस तरह बड़ी तवील फहरिस्त है। लेकिन अब क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो चुका है, बारिश के बाद जो तबाही आई है उसके मनाजिर, दिल खराश मनाजिर हम सब देख रहे हैं, और कोई भी हुकूमत इस वक्त मौजूद होती उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता यकीनन कि लोगों को कैसे रिलीफ फराहम किया जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बारिश से मुतासरा इलाकों में अभी भी रेस्क्यू का जो काम है वो जारी है, यानी कि जो सबसे पहला मरहला होता है उसमें लोगों को आफतज़दा इलाके से महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना होता है, और उसके बाद जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना, और तीसरा जो उसका फेज़ होता है उसमें उनको वापस उस जगह पर पहुँचाना, सही जगह तक जहाँ के वो रिहायशी हैं या जहाँ के वो रहने वाले हैं, उसको हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं, कि वो सारा काम जो है वो किस तरह स्टार्ट होगा। तो बहरहाल अभी जो सूरत हाल है वो अपने पहले मरहले पर है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, और उसके बाद फिर जितने भी मुखय्यर हजरात हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं खैर के कामों में, कि इस वक्त जितने भी मुतासरा इलाकों में मैसूर लोग हैं पहले तो उनको रेस्क्यू करें और उसके बाद जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, और उसके बाद फिर रिहैबिलिटेशन का मामला शुरू होगा। तो ये सिलसिला इस वक्त जारी है। और एक बड़ी गैरमामूली बात है, इससे पहले भी जितनी कुदरती आफात आईं, ख़ासतौर पे जब 2005 के जलजले का जिसका मैंने भी कुछ देर पहले भी तस्करा किया,
उसके बाद लोगों ने, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने, जो कि बहुत ज़्यादा मसाइब और मुश्किलात का शिकार हैं, बुनियादी जो ज़िंदगी की ज़रूरत हैं उनको पूरा करने के लिए शब रोज़ तगोदो में मसरूफ़ हैं, उन्होंने खैर के काम में अपने भाइयों को महफूज बनाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए गैर मामूली जज्बा दिखाया, और इस वक्त भी उसी जज्बे की ज़रूरत है जो कि खुशकिस्मती से नज़र भी आ रहा है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी कि जितनी भी फलाही तंजीमें हैं, हुकूमत को तो यकीनन ये काम है कि लोगों को रिलीफ फराहम करे, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी यहाँ पर फलाही तंजीमें हैं वो हमें काम करती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। हमारी इसमें क्या जिम्मेदारी है, इस मामले पर आज गुफ्तगू की जाएगी और कैसे उन मुतासर लोगों तक जो इमदादी सामान है उसको पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा मसला ये भी है कि जितने भी ज़मीनी रापते थे, रास्ते थे, वो सारे मुनक़ता हो गए। जितने मुखियर हजरात या एनजीओज इस वक्त काम कर रही हैं उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना है। इस मामले पर गुफ्तगू आज की जाएगी। प्रोग्राम में मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे तमाम मामलों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो आज हमारे मौजूद मेहमान हैं, सैयद शहजाद रज़ा साहब समाजी कारकुन हैं, यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद रज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान तलहा बेग, आप भी एक समाजी कारकुन हैं, उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहजाद रज़ा साहब, सूरत हाल के बारे में अभी मैंने एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी है, और आप क्योंकि बड़े अरसे से, सैलाब से पहले भी, ये जो जितने भी खैर के काम हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहला काम ये है कि जितने भी भूखे लोग हैं उनके लिए ताम का बंदोबस्त कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और आपका काम यकीनन इसमें इजाफा हो गया है, तो कैसे ये अमल जो है वो मुकम्मल हो पा रहा है? और पहले तो जैसे आप पिछले भी प्रोग्रामों में इसका तस्करा कर चुके हैं कि यकीनन किसी न किसी तरह से लोगों तक जो है वो खुराक पहुँचाई जाती रही है, लेकिन इस वक्त ये एक इंतहाई मुश्किल मरहला है क्योंकि लोगों की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा है, तो कैसे ये काम सर अंजाम दे रहे हैं, मैं चाहूँगा सर इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम यासिर। अभी जो सूरत हाल है, हेलो, आपने वीडियो भी देखी होंगी और जो नज़र भी आ रहा है, मकसद यार बस से बदतर की तरफ हम लोग हैं, और जो है जो इमदाद गई बीच में, इमदाद को लूटा भी गया, शहरी इलाकों के अंदर से गुजर रही थी, उन्होंने जो है उनके साथ बदतमीज़ी करी, अब उसको देख के जो है और बहुत सारे लोग जो है वो जहां मुस्तक लोगों तक वो इमदाद जो है पहुंचाने से भी लोग डर रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल है, इसके लिए मैं अपनी गवर्नमेंट को बोलूँगा यार आप कुछ नहीं कर सकते, कम अज कम जो इमदाद लेके जा रहे हैं, देखे ना इस शहर ने कितना बड़ा किरदार अदा किया है, मिनटों में करोड़ रुपए जमा हो गए फंड, मैं बोल रहा हूँ GDC किस तरीके ट्रक लेके पहुंच रहा है, और जो तंजीमें हैं यहाँ से इस शहर से, मैं तो बोल रहा हूँ बच्चे जो है ट्रक के ट्रक जमा करके लेके जा रहे हैं, जो कोई तंजीमों कोई एनजीओ उसमें नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो भी जमा करके लेके आ रहे हैं इसी शहर से। इदी साहब को मैं शुरू से लाइक करता हूँ और बोलता रहा और उनको देखा भी कि किस तरीके से लोग जो है आगे बढ़ चढ़ कर खैरिय काम में हिस्सा लेते थे और अभी भी ले रहे हैं। बात यह है कि अभी जो है आपने एक वीडियो देखी होगी लाड़काने के अंदर जी। बिलाल भुट्टो साहब के अपने शहर के अंदर डीसी जो डीसी ने जिस तरीके से मुख्तियार कार वगैरह राशन बेच रहे हैं जी, यार ज्यादती इससे ज़्यादा और क्या होगी। बहरहाल इन सब चीज़ों को हम लोगों को इस टाइम पे ये सारी बातें करने का वक्त भी नहीं है कि हम ये सारी बातें करें, लेकिन दिल बर्दाश्त होता है तो हम ये बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत जो है इस टाइम पे ज़रूरत है और बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। या सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि यार हद होती है कोई जी, जो 3,500 रुपये का कैं वो था कैंट वो 17,000 रुपये का, बताइए। मैं इस मौजू की तरफ अभी आ रहा हूँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात यार की है। शर्म दिलाने की ज़रूरत है कि आप देख नहीं रहे इस टाइम पे क्या हाल है, कैसे होटल गिर रहे हैं, किस तरीके से सड़कें टूट रही हैं, किस तरीके से लोग मर रहे हैं,
उसके बावजूद भी जो है आपने मरना ही नहीं है क्या, आपने सोचना ही नहीं है? यार मेरे पास कसीर तादाद में जो है लोग आ रहे हैं, ना उनके पास रहने की जगहें हैं, ना टेंट है, अच्छा बच्चे बच्चों का कोई फर्क ही नहीं महसूस हो रहा, सास सो रहे, जगह ही नहीं है रहने की, तन पे कपड़े नहीं हैं लोगों के, ये सूरत हाल है। खाना मैं बोल रहा हूँ कि चलो जो सिंध की तरफ निकल लें, बलूचिस्तान की तरफ निकल लें, KPK का भी बुरा हाल है, पंजाब में भी कुछ तबाहकारियाँ हुई हैं, लेकिन इस टाइम पे सिंध की जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान से गुजर के जो अभी सिंध की सूरत हाल है, अभी मैं बोलता हूँ कि 10% भी लोग यहाँ नहीं पहुँचे। बिल्कुल ऐसा ही, अभी जो वहाँ से निकल रहे हैं आ रहे हैं यार, 200-200 मील जो है लोग पैदल चले, पाँव में छाले पड़ गए, बुरे हालों में लोग आए। बहरहाल जो है हम तो रात दिन जो है हमने तो अपना दस्तखान भी शुरू कर दिया है, जी कोशिशों में लगे हुए हैं। हाँ मुश्किल का टाइम है, इस टाइम पे जो है एक तो काम भी नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं चल रहा या कोई ऐसे मामला नहीं है, लेकिन खैर के कामों में लगे हुए हैं, और हर तंजीम इस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, भले वो कोई भी हो। ठीक है तला, ये फरमाइएगा अभी जैसे शहजाद राजा साहब ने निशानदेही की है, बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि एक तरफ तो हमारे लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो लोग हैं जो ज़खीरा अंदोजी करते हैं, जो ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या किया जा सकता है? हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी अपनी कितनी अखलाकी जिम्मेदारी है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बात कीजिए। देखिए पहले तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, और अगर मैं आदाद शुमार पर जाऊँ तो जुनूबी पंजाब में राजनपुर, फैजलपुर, ज़ायर पीर और चाचन शरीफ पूरा का पूरा शहर डूब गए हैं। उसके बाद सिंध की तरफ आए तो गुड्डू, कश्मोर, खैरपुर, नातन शाह और मेहड़ इस वक्त चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, हैदराबाद हाई अलर्ट पे। तो ये हमारे पास आदतों शुमार है। इसके बाद जब इंतजामिया को हम देखते तो वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, लोगों की इमदाद नहीं हो रही। अच्छा जितने मुतासरीन है उससे डबल सामान चाहिए, तो सामान तो हुकूमत के पास मौजूद ही नहीं है। अब ये जो ज़खीरा अंदोजी की जो बात आपने की, इसमें मैं अभी सीएम साहब का बयान सुन रहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कि हम सारों को जेल भेजेंगे। खैर ये महज बयानात है, हम तो नहीं समझते कि कभी इससे पहले कोई इस तरह के वाक़यात में, इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा आपको, एक अकाउंटेबली एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ों को नहीं सही कर सकते ना, देखें क्योंकि यहाँ से कराची वाले तो पहले ही अपने दिल खोल के इमदाद करते हैं, उसके अलावा फिर हुकूमत के पास तो मैं नहीं समझता बजट है, थोड़ा बहुत जो मैं मुख्तसर बजट में जो काम कर रही है उसके ऊपर भी जो है डिप्टी कमिश्नर या AC या दूसरे तहसील टाउन नाजिम हो गया जो भी हो गया वो मतलब ज़खीरा अंदोजी कर रही है, राशन को ले रही, तो आपको चाहिए कि बढ़ चढ़ के मदद करें एक दूसरे की और तकसीम बराबर होनी चाहिए। ये ना देखें कि वो कोई अगर हमारा चाहने वाला है कोई रिश्तेदार है, क्योंकि मैं तो सिंध के हालात जो देख रहा हूँ अंदरूनी सिंध के बहुत बुरे हालात हैं, कोई इतने अच्छे हालात नहीं है कि हम अगर उस पर सोचें कि यार अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। शहरों जो हाल है इस वक्त, अभी फसलें जो है सारी तबाह हो चुकी है, 50 लाख मकानात जो अदद शुमार है, 50 लाख मकानात तबाह हो चुके हैं। अब आप वो सोचें वो एक मकान बनाने में कितना अरसा लग जाता है, उसके बाद आपकी फसलें खत्म हो चुकी हैं और सड़कें बह गई हैं, तो मतलब ये सारा इम्पैक्ट खैर कराची में भी आएगा। ये जो लोग सोच रहे हैं कि अगर कि वहाँ पे लोग मैसूर हैं तो यहाँ पे फ़र्क नहीं आएगा, ये महंगाई में और दूसरी चीज़ों में ये इस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है। हमें चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें। मकैर आज़ाद से मैंने पहले भी गुजारिश की थी और मैं तो अपने ऑफिशियली जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सबके ऊपर मैं अपील कर चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त मरहला है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह की NGOs काम करती हैं, एक TV और सोशल मीडिया पे काम कर रही है और एक फील्ड पे काम कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि फील्ड पे आने की जरूरत है, महज बयानात से हटें और आप लोग फील्ड पे उतरें। मुश्किलात ज़रूर हैं, रोडें नहीं हैं, लोगों को रास्ते नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें देखने को सामने आ रही है। यहाँ से बहुत सारे लोगों का दिल, जो कराची वाले पहले दिल खोल के इमदाद करते हैं, बेशक माशी तौर पर उनकी कमर टूटी हुई है लेकिन इमदाद में वो नहीं अपनी जो है रोक रहे हैं। तो यहाँ से बहुत सारे लोगों ने जो है अकेले अकेले ट्रक भी लेके गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ ट्रक लूट लिए जाते हैं, वो बेचारे को हैंडल नहीं करना आ रहा कि वहाँ की सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि वहाँ के लोकल से आप लोग रब्ता करें, वहाँ के जो गाँव का कोई बड़ा होता है या सरदार होता है, क्योंकि यहाँ वहाँ की डायनेमिक्स बहुत अलग है। अब हम कराची के गोटों में तो हम चलो बासानी हम लोग तकसीम कर लेते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी सी ये सूरत हाल भी सामने आ रही है, बहुत सारे क्योंकि NGOs और बहुत सारे ऐसे जो टीम है दोस्त यार या स्टूडेंट्स वो लोग गए हैं इंटीरियर सिंध में, तो वहाँ पे उनको ये मुश्किलात का सामना है। उनको चाहिए कि इस सारी चीज़ों के लिए लोकल से आप रब्ता करें, या तो फिर हो सकता है तो हुकूमती जो निज़ामिया है
आपका डिप्टी कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, इन लोगों को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि इस तरह अगर आप तकसीम करें, बहुत सारे लोग रो भी रहे हैं कि यार हम लोग ट्रक लेके आए, वो अपने दिल से तो उन लोगों ने बिल्कुल इमदाद की है, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ख़राब है, ज़ाहिर है उनके साथ भी मुश्किल हैं। अगर हम देखें कि क्यों ये मामला, तो उनके साथ ही बड़ी मुश्किल है, चार चार पाँच पाँच दिन से खाना नहीं खाया, वो अभी यही वाली बात है कि 200 मील चल गए हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, पानी जा ही नहीं रहा, पानी निकालने का कोई सिस्टम नहीं है, दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, अब सक्कर का पुल देखें बिल्कुल पानी के साथ चल रहा है इस वक्त, तो ये अभी तो खैर कच्चों के इलाकों में तो बड़ा बुरी तबाही की, ये शहरों में भी आएगा, जिस तरह हैदराबाद आया अलर्ट पे, कराची भी मैं समझता हूँ जब ये दरिया समंदर की तरफ पानी आया लेके आएगा, तो ये ठट्टा सजावल और बदीन तो ये पूरा तबाह हो जाएगा, ये मतलब जो पेशन गोई है, और अभी भी बारिश रुक नहीं रही है, अभी दो दिन धूप आती तो फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो अल्लाह से हमें खैर की दुआ मांगनी चाहिए, पहले तो हम लोगों को देखना चाहिए कि सबसे पहले हमें, क्योंकि हमें तो हुकूमत तो मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है, हुकूमत ने तो कोई काम करना नहीं है, फिर हम पाक फौज से अपील करते हैं, उनके जवान माशाल्लाह लगे हुए हैं हर जगह रेस्क्यू कर रहे हैं, लोग तो मुंतजर हैं रेस्क्यू के, लोग मुंतजर हैं बहुत ज़्यादा, अगर हमने देखा है मुतहरक तो पाक फौज नजर आई है, हुकूमती निज़ामिया खामोश है, हुकूमत पहुँच ही नहीं पा रही, एनजीओ काम कर रही लेकिन एनजीओ महदूद वसाइल से काम कर रही, तो हमारे पास खुद भी इतने वसाइल नहीं है, मैं भी इंशाल्लाह कल से अंदरून सिंध के दौरे पर निकल रहा हूँ, और बलोचिस्तान भी गया, वहाँ तो अब रोडें और सड़कें जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, ज़मीनी रास्ता ही नहीं है, तो जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं, मैं समझता हूँ जितने महदूद वसाइल के साथ एनजीओ काम कर सकते हैं काम करें, अपने कामों को ना रोकें, क्योंकि इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है, मुसलमान भाई हैं हमारे, हमें उन सबको देखना है, और अपने दिल खोल के इमदाद करें, और अपने घरों में लेके आए, कराची लेके आए, कराची में आप पना दें उनको, क्योंकि खुश्की की जगह इस वक्त कराची ही है, बाकी तो पूरा सिंध में समझता हूँ इस वक्त पानी से मुतासर हुआ हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त लोगों को फराग दिली का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, और यकीनन वो कर भी रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर सवाल यही है कि ये सारे मामलात माजी में होते रहे हैं, क्यों हमने इससे बचने के लिए या नुकसानात कम से कम हो उसके लिए असबाब नहीं पैदा किए? अब सवाल ये पैदा होता है, अब ये जैसे सामान की तरसील है जिसका भी तला ने भी तस्करा किया, आपने भी इसके बारे में बताया कि ये इतना आसान काम नहीं है, लोग चाहते भी हैं काम करना लेकिन वहाँ तक पहुँचना ये एक बड़ा मुश्किल काम है, ये रियासत की क्या जिम्मेदारी बनती है, और क्योंकि इतनी सारी अथॉरिटीज़ यहाँ पहले से मौजूद हैं जो काम करते हुए पहले भी नज़र नहीं आती थी, लेकिन इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली इकदाम की ज़रूरत है, तो क्यों अभी तक इसमें नाकाम नज़र आ रहे हैं, ये ज़रा फरमाएं। यासिर, जब तक बासल लोग कौन है, वडेरे जागीरदार, जब तक इससे आवाम नहीं निकलेंगी ये सूरत हाल तो रहेगी। मसला ये है कि बासल लोग ही वहाँ पर जीतते हैं, कराची तो वो शहर है जहाँ मसूद भी कसीर तादाद में जीते, मसूदों की कोई अक्सरियत नहीं है, और फला कौम हमें तो तनकीद का निशाना शुरू से बनाया गया कि इस शहर के अंदर जो है ये ऐसा होता है, इस शहर ने किसी भी वक्त के अंदर जो है कौम परस्ती या नस्ल परस्ती कभी भी नहीं करी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बड़े बड़े जवान इस शहर ने पैदा करे, इस मुल्क में काम करने वाले भी इस शहर ने पैदा करे, इस शहर को किसी ने नहीं पूछा ना किसी ने समझा। बात यह है कि अभी देखें, आप हाल देखें कि देखें, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है, अभी तो इस टाइम पे जो है कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, पहले कोई जो है जागीरदारों के लिए बात नहीं करता, अब जरदारी को खुल्लम खुल्ला गालियाँ दे रहे हैं लोग, बिलावल को दे रहे हैं, इमरान खान को दे रहे हैं, आज दे रहे हैं ना, आज देखो चेंजिंग तो आई है। आज भी जो है आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, एमपीए जो है मिलने के लिए आ रहा है तो उसके लिए दस्तखान लग रहा है, उसके लिए जो है चीज़ें लग रही हैं, अच्छा कहीं पार्टियों में जा रहे हैं वो जो है बोटियां उछाल उछाल के फेंक रहे, यार कहाँ हम लोग रह रहे हैं, क्या हमें मरना नहीं है, क्या मौत को भूल चुके? बिल्कुल बात यह है कि इन लोगों से जब तक आप नहीं निकलोगे, इसी तरीके से अपने बच्चों की लाशें उठाते रहोगे, इसी तरीके से रहोगे, जो बच्चे निकले हैं लेके जिनको लूटा गया है, किस से बात करें, कहां तक बात करें, उसको शहरी इलाके में लूटा है जहां पर सलाब का नाम और निशान नहीं था। चलो कोई देखें, हम समझते हैं, तला समझते हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार हम जो है जब तक रابطہ नहीं करेंगे यहाँ, तो कराची के गोटों में भी जब तक बासर आदमी से बात नहीं करोगे तो आप भी नहीं जा सकते। ठीक है, मैंने तो वो चीजें अपनी आंखों से देखी है यार, गैस लाने के लिए कितना एक सोसाइटी के अंदर इलेक्ट्रिक लाने के लिए और गैस लाने के कितना खर्चा होता है,
फ्री में गोटों में जाती हैं, तो वो वहाँ का वडेरा बोलता है भाई फी मीटर में मेरा इतना कमीशन होगा तो आप गैस लेके जाओगे। जी ठेकेदार बोलता है यार मैं यहाँ पर जो है फी मीटर इसको दूँ, आगे मैं खर्चा करके आऊँ, तो वो गोट में गैस ही नहीं लेके आता मैं ठीक है। और एसी की इलेक्ट्रिक भी नहीं आती। बात ये है कि यार जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, इनको जूते नहीं लगेंगे। मैंने एक काफ़ी पहले आपको बोला था, वो अपने शेयर के हवाले से, कि यार मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अच्छी गाड़ी वाले को लोग उतार के मारना शुरू ना हो जाए, उससे चीज़ें ना छीन लें। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही थी, लेकिन यार आपने क्या करा, किस तरीके से यहाँ से लोग, अल्लाह माफ़ करे, उनको देखते हुए जो है ना यार हमारी नींदें पूरी नहीं है, हम जो है कहाँ, जहाँ देखते हैं ना तो वहाँ ये नज़र आ रहा है कि यार हम यहाँ गलत आ गए, बिल्कुल फला ठीक है, जगह पे इससे ज़्यादा, फला जगह पे इससे ज़्यादा, यही सूरत हाल है पूरे शहर की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, और इस वक्त जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर किन किन अशियाए ज़रूरिया की इस वक्त ज़रूरत है, इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कामों के हवाले से, कैसे इमदादी काम वहाँ पे शुरू हुए हैं और क्या मुश्किल दरपेश हैं। इस मामले और मसले पर गुफ्तगू जारी रहेगी, और इसके साथ साथ और बहुत सारे मामलात हैं जो कोशिश करेंगे इस मुख्तसर से वक्त में प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँ। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, जिनसे कुछ देर पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तला बेग साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तला, सबसे पहले अब जानना ये ज़रूरी है कि तो रेस्क्यू का काम है, ज़ाहिर है ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आम आदमी के बस में नहीं है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करें। दूसरा बड़ा अहम मसला कि जो अशियाए ज़रूरिया हैं वो क्या हैं, कैसे उनको जमा करना है, और फिर तरसील का मरहला बाद में आता है, लेकिन लोग अब ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनको किस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। जी देखें, अभी तो जो विजुअल्स और सारी चीज़ें आ रही है ना, बड़ा दिल आबदीदा हो जाता है इनकी चीज़ें देख के। चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इस वक्त, मैंने शेयर भी किए सारी चीज़ें, बिस्किट, क्योंकि हमें खुश खुश चीज़ें चाहिए। चूल्हा तो वहाँ है नहीं, कि बिल्कुल बहुत सारे ठीक लोग है, ना पके हुए राशन पूरा ले आते हैं, वो पकाएंगे किधर, क्योंकि घर तो सब चीज़ें बह गई हैं, सामान बिल्कुल सारा, तो ठीक है। सामान सारा बह गया। तो जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं थोड़ा सा मुख्तसर था आवाम को जी थोड़ा जी बताऊँ। उसमें बिस्किट के आप डब्बे ले लें। अच्छा, उसके अलावा चना, चना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चना ऐसी खुराक है जो ये आपको थोड़ा सा तवानाई देता है। उसके बाद हमारे पास ये चिप्स हो गए, जूस हो गया, पानी की बोतलें, पानी की, क्योंकि डिहाइड्रेशन का बड़ा जी एक मसला चल रहा है वहाँ, पानी की बड़ी ज़रूरत है। पानी की जितनी बोतलें आप दें उतने, मैं समझता हूँ कम है, जूसेस दें। तो ये दो चार बुनियादी चीज़, दूध का डब्बा, अच्छा चाय की पत्ती, चाय अगर तो बनी बनाई चाय वैसे तो ख़राब हो जाती है, लेकिन ये कि जो रेडीमेड चाय वो सैशेज आते हैं वो आप दे दें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कपड़े, कपड़े की भी ज़रूरत है इस वक्त, चप्पलें, कपड़े। अब जो बहुत सारे लोग जो पुराने कपड़े वाले फेंकते हैं, उनको मैं ये अपील करूंगा कि वो अपने कपड़े संभालें, और कोशिश करें कि वो भी हमारे भाई, उनको जाके कपड़े कपड़े फराहम करें। कपड़ों की भी इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड आ रही है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसको ख्याल रखना है, जो हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग भी निकल रहे हैं, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें जमा हैं। और वहाँ से मैंने, वहाँ क्योंकि वहाँ के भी लोकल्स मुझसे रबते में हैं, वहाँ के जो मकामी हैं उनसे भी मैं रबता करूँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके अलावा टेंट, टेंट की जी बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना खुली छतों, खुले आसमान के नीचे लोग आए हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो चारपाई अपनी, चलो क्योंकि घरों से जो बची है वो एक चारपाई लेके आए हैं, बहुत जी सारे लोग वो चारपाई रख के फिर वो सर छुपाने के लिए उन लोगों ने वो जो करा है। तो लेकिन वो भी बारिश है, क्योंकि बारिश मुस्तकिल हो रही है, तो वो उससे कोई रिलीफ नहीं मिलता। टेंट और पैराशूट वाला टेंट, तो वो टेंट जो है वो इस वक्त ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। थोड़े से रेटों में जो है ना बड़ी इजाफा हुआ, ये एक बदकिस्मती बोले हमारे लिए, या बहरहाल अल्लाह उनसे खैर पूछेगा कि क्यों इस तरह इजाफा कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना। जी मुश्किल वक्त में मैंने हमेशा ये देखा है, ये एक बदकिस्मती, कोविड के दौर में भी यही हुआ, आपके मास्क और सैनिटाइजर वगैरह उनके रेटों में एकदम से इजाफा कर लिया। तो ये बेहसियत है कौम, अगर हम ये सोचें सैलाब और ये जंजले क्यों आते, तो ये अल्लाह पाक हमसे नाखुश हो जाता है। आप कौम, कौम तबाह, ये कुरान पाक में जिक्र है, कौम के कौमी तबाह हो गई, इसी तरह जो लेन देन में दो नंबरी करते थे। तो बिल्कुल यार आप ये देखो कि यार कितना कमाल हो गया आप,
कितना आप कमा लोगे, जब आप एक एक, एक लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किसको बेचोगे। तो यार ये हमें तौबा करनी चाहिए इन सारी चीज़ों से, अपने जो अशिया खर्दनोश है इसके ऊपर ज़रूरी, जो आपका इजाफा जो आप प्रॉफिट है वो ठीक है आप अपना कमाएं, लेकिन इतना इजाफा मतलब आप किसी की मजबूरी के साथ खेल रहे हैं, इस इन चीज़ों को थोड़ा सा रोकना होगा। और मैं एक और बात पर बड़े एक रोशनी डालूंगा, जो बड़ी खतरनाक बात होने वाली, आप यकीन करें देखें फसलें सारी तबाह हो चुकी हैं, और एक खबर ये आई थी कि हम इंडिया से टमाटर वगैरह भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये जो अभी महंगाई है ना ये लोग नहीं समझ रहे, ये महंगाई बहुत ऊपर जाएगी, आपकी अशिया खुर्दनोश बहुत महंगी होने वाली, क्योंकि हमारी फसलें सारी तबाह हैं। जाहिर है हम फसल जमीन पे ही हमने उगानी थी ना, जो आपकी राइस हो गई, चीज़ें हो गई, उसके अलावा एक्सपोर्ट में बड़ा नुकसान होगा हमारे पास, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ टेक्सटाइल के बाद हम लोग इस पे कपास पे गंदम पे और इन चीज़ों पर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी जो है तबाह बर्बाद हो चुकी, तबाही बहुत ज़्यादा है, तो हमने ये सारी चीजें देखनी है। उसके अलावा मवेशी और जानवर जो हैं वो आपके सारे डूब गए हैं, तो आप देखें गोशों की जो बड़ा गया छोटे का गोश उसकी कीमत में कितना इजाफा होगा, वो एक बड़ा एक नुकसान बड़ा एक अलमिया है। तो ये 2023 का जो साल है ना, मैं समझता हूँ ये आप पाकिस्तान की तारीख का बहुत महंगा साल होगा, जो भी हुकूमत होगी वो जलील और रुसवा होगी। इसके लिए अभी से अगर प्लानिंग और अभी से अगर पॉलिसी नहीं बनाई गई तो हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इस वक्त बहुत उस वक्त जो है पाकिस्तान और ज़्यादा नुकसान में आएगा। तो ये मैं अभी से इनको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अभी से देख लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपैक्ट आएगा इस पर हमारी इकनॉमी के ऊपर, तो ये सारी चीज़ों को देखना है, क्योंकि हमारी चारों सूबों में कोई एक सुबह भी नहीं जो पानी से बचा हुआ है, चारों सुबह तकरीबन तो उसका आना शुरू हो चुका है। बस क्योंकि जैसे भी आपने जिस चीज का तस्करा किया ना कि ये जो मुनाफा खोर हैं, बिल्कुल ये मौका हाथ से जाने नहीं देते, और उसकी एक बड़ी वजह ये कि क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटीज जितनी भी हैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हैं। ऐसा ही है, इस वजह से हो ये रहा है कि अभी उसके असरात आने में थोड़ा वक्त जैसे आपने कहा लग सकता है, तो वो पहले से ही जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं, अशियाए खुर्दनोश हैं, सब्जियों की कीमतों में बेपना इजाफा हो चुका है, तो ये तो हमें सामना करना पड़ेगा जिसकी आपने निशानदेही की है। दूसरी तरफ ये कि रियासत की जिम्मेदारी होती है, जिसके बारे में कुछ देर पहले भी बात हो रही थी कि रेस्क्यू तो चले आपकी जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ जो बाकी मानदा मुल्क का हिस्सा है वो अगर मुतासर होगा तो फिर यकीनन वो इन खैर के कामों में हिस्सा नहीं ले पाएगा, ये समझने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ हमेशा से एक अलमिया ये रहा है कि पॉलिसीज़ का फुकदान रहा है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कुछ देर पहले भी, क्योंकि माजी में भी कोई इस तरह की हिकमत अमली नहीं बनाई गई कि अगर इस तरह की नागानी आफात आती हैं, क्योंकि अब तो आप ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग बारहा इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं और ये अब सवाल कर रहे हैं कि माजी में जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने जो डैम्स बनाने के ऊपर क्यों कोई काम नहीं किया, बड़े सियासी नारे इसके ऊपर लगाए गए, बड़ी इसमें झूठी फंड रेजिंग हुई है और उसका पैसा आज तक पता नहीं कहाँ है, ये सारे मामलात रहे हैं लेकिन अमलन इसके ऊपर कुछ नहीं हो सका। तो लोग अब पूछने पर हक बजानिब हैं कि रियासत आखिर अपनी ज़िम्मेदारी कब पूरी करेगी, और आने वाले वक्तों में, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो मौजू ज़ेर बहस है वो ये इतनी माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इससे नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। यकीनन जैसे मैंने कहा कि इसका रास्ता तो नहीं रोक सकते, लेकिन इससे जो होने वाले नुकसान हैं उससे कैसे बचा जा सकता है, इस मामले पर सर जोड़ कर बैठी हैं और गौर खोज कर रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक तारीख रही है, एक हमारी रिवायत है कि हमने ना कभी अपने माजी से कोई सबक सीखा है और ना आगे सीखने का कोई इरादा रखते हैं। अब फरमाइए कि रियासत क्या करे इस सिलसिले में। यासर देखें जैसे 71 में जो हमारे मुल्क के दो टुकड़े हुए, वजह क्या थी, जब तक हम नस्ल परस्ती से नहीं निकलेंगे, जब तक सूबों में बटे रहेंगे तो ये मामला होते रहेंगे, हमें लोग कहीं किसी न किसी शक्ल में लूटते रहेंगे। असल वजह क्या है, डैम बनता है उस टाइम पे सिंध का पानी रोक लिया, पंजाब खा जाएगा, बलूचिस्तान खा जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा खा जाएगा। अच्छा, अब फिर क्या होता है, उसका जो है अजाब क्या आता है, उसका अजाब इन सूरतों में आता है। अच्छा, एक तो कुदरती आफात आई, इसमें हमारी हर शख्स पाकिस्तान के रहने वाला उसमें बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग माहौल ऐसा बना देते हैं, जब डैम का काम शुरू होता है तो वो माहौल ऐसा बनाते हैं कि हम लोग आपस में ही लग जाते हैं। नहीं यार, ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे रोल मॉडल है ना, जो बातें कर रहे होते हैं, जैसे खान साहब एक लेके आए थे, फिर खान साहब का हमने उनको बनाया, वो किस तरफ बच्चों को ले गए कि आज वो आपके सामने उसका असर बहुत बड़ा पड़ा है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है यासिर, एक तो हमें इससे निकलना होगा, दूसरी बात है ये कि कुछ जो एरिए हैं ना सिंध के, उनको कट लगा के, कट जिन्होंने कट मार के डबोया है जी, जिसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, ठीक है, वो आने वाले वक्त में सबके सामने आ जाएगी उस साजिश का भी जो भी हिस्सा है। और सबसे बड़ा जो मसला हमारे साथ रहा
इंतज़ामिया कहीं नहीं है, इंतज़ामिया होती तो ये महंगाई नहीं होती, चोर बाजारी नहीं होती, सिस्टम अपनी जगह कायम रहता, ठीक है। और फिर सबसे बड़ा हमारे साथ मसला, ये कट लगा दिया, डबो दिया, अब दुनिया से भीख मांगेंगे जी। किसी का फायदा हो या नहीं हो, सियासतदानों को तो इसमें फायदा है, फायदा है बिल्कुल। लोग मरेंगे तो इनको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पर 87 में हुआ, आपने रास्ते खोले, बॉर्डर खोले अफगानिस्तान के, यहाँ पर मंशियात लेके आए, वहाँ के लोगों को लेके आए, वो आज तक हम पे वो असर पड़ा हुआ है बिल्कुल। फिर उसी तरीके से अब जो ये सैलाब का है भाई, जो इलाके नहीं डूबने वाले थे आपने कट मार के डबोया, वो पूछने वाला कौन है? जितने डिप्टी कमिश्नर हैं वो अपने अपने चोर बाजारी में लगे हुए हैं, हुकूमत को एक मौका मिल गया, वो पूरी दुनिया से फंड जमा करेंगे, वो फंड कहाँ जाएगा? बिल्कुल ठीक है, 500 करोड़ रुपए खान साहब ने एक घंटे में जमा करे, वो कहाँ है, ठीक है ना। उसका हिसाब कौन देगा? वो हिसाब लेगा कौन? लेगा कौन? हम तो बात कर लें तो हम अपने एरियों में जाएंगे तो हमारे पे बड़े बड़े सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, हमारे पीछे लग जाएंगे, हमारे पे नारे पड़ जाएंगे। लेकिन देखें, कुरान शरीफ में कोई बात का भी जिक्र है, हक की बात ना करने वाला भी जहन्नुम में जाएगा। अब इसका भी ख्याल रखें, अब अपनी आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें। हमने एक स्कूल की वीडियो बनाई जाके, उसका रिजल्ट मिला कि उन्होंने DC मलीर, मेरे को तो यार वही गैरतमंद आदमी है, मैं तो नहीं जानता हूँ वो है कौन, उसका नाम भी मुझे नहीं पता, क्योंकि DC मलीर में काफ़ी अरसे से मेरा कोई रात वास्ता नहीं था। वो तो एक स्कूल पे जो है निशानदेही हुई थी, तो हाँ वो जोर से टच है जी। तो मैं इस वजह से चले गई, जब बाद में पता चला यार ये वाला हिस्सा जो है इसमें आता है, ये वाला जो है मलीर में आता है। हमने वो वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद उसने वो स्कूल खाली करवाए जी। और मुसलसल मैं ये कह रहा था कि यार कोविड में पढ़ाई बर्बाद हुई। अच्छा, पढ़ाई बर्बाद होने का मसला क्या है? हमारी नस्लें जाहिल पैदा होंगी जी, ये सबसे बड़ा मसला है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, स्कूलों में लाके ठहरा देते हैं, और जगहों पे बहुत जगहें हैं, आप सरकारी जगहें हैं, आप सरकारी जगहों में रखें, किसी के प्लाटों में नहीं रखें, कोई तनाजे वाली जगह पे नहीं रखें, लेकिन उसके अलावा भी सरकारी जगहें आप सरकारी जगहों पे रखें। जो ये जो जितने भी अपना नाकबूली ज़मीनें हैं, पूरा आपका जो है नादन पूरा भरा हुआ है, आप इसमें बिठाएं, बस्तियां लगाएं, आप पक्के मकान नहीं बनाने दें। वक्त इस टाइम पे सियासत का नहीं है, वक्त इस टाइम पे जो है वो साथ देने का, साथ देने का है। बिल्कुल ठीक है शहजाद साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और इस अहम मामले पर गुफ्तगू की है। यकीनन सैलाब से मुतासरा इलाकों में इस वक्त इमदादी कामों की ज़रूरत है, और इसी हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सके TV प्रोग्राम्स के ज़रिए और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इस हवाले से बात कर सकें। लोगों तक आगही पहुँचाना ज़रूरी है, यकीनन मुश्किल वक्त है, मुश्किल की घड़ी है, और इसमें तमाम इख्तलाफात को भुलाकर सियासी इख्तलाफात को भी हमें भुलाना होगा, जो कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा, और लोगों के भले के लिए इस वक्त काम करना होगा। तलब एक साहब, आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप दोनों मौजूद मेहमानों ने प्रोग्राम में वक्त दिया। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।